पाकिस्तान में पहली मर्तबा कोई अवामी गवर्नर किसी जमात ने दिया तो वो एनक्यूएम पाकिस्तान ने दिया, दिया नहीं दिया यार। 50,000 नौजवानों बेटे बेटियों को आईटी का एडवांस कोर्स पढ़ाना, 10 लाख रुपए एक बच्चे पे खर्च होते हैं 10 लाख, 50,000 पे कितने खर्च होते हैं 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 50,000 कितना हुआ। ये पैसा लगाना सरकारी पैसा नहीं है, वजीर आजम पाकिस्तान चाहे तो वो शहबाज शरीफ, मियां मंशा, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये 4 आदमी मिलकर कहें कि अगर एमक्यूएम का गवर्नर फिलेंथ्रोपिस्ट और मुकीम हजरात और कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर एक जामिया अलीगढ़ गवर्नर हाउस में बना सकता है सिर्फ, तो हमारा गवर्नर भी आओ ना यार, यहाँ हमारा मुकाबला करो। 50 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है ये, तो प्राइवेट सेक्टर में भी टैक्स अलग और उसके बाद मुखैर आजाद 50 अरब से 50,000 बच्चे जब ये पढ़ेंगे एडवांस आईटी का कोर्स करेंगे तो जैसे ही फारिग तहसील होंगे बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और उमान ने कहा ये सारे बच्चे हमें चाहिए, 10 लाख रुपए महंगा इनकी तनख्वाह होगी। तो आज 50 अरब की इन्वेस्टमेंट, उनकी तनख्वाहें 50 अरब हर महीने, ये 12 महीने के 50 अरब, वो हर महीने 50 अरब की तनख्वाहें, सरे मुबादला 50,000 डॉलर। अब ये 50,000 डॉलर अगर हर महीने पाकिस्तान आए तो साल के कितने हो गए, 6 अरब डॉलर। अब इस वक्त 8 अरब डॉलर का हमारा सरे मुबादला है, तो ये 50,000 बच्चे ही कमाकर पाकिस्तान 6 अरब डॉलर तो सालाना ये वापस भिजवाएंगे। बताएं ये काम किसी ने किया? आज गवर्नर हाउस मिला है हमें तो उसे अवामी बनाकर जामिया अलीगढ़ बनाए, पाकिस्तान बनाना था तो जामिया अलीगढ़ बनी, पाकिस्तान बचाना है तो जामिया अलीगढ़ बनी। अब इंशाल्लाह ताला आज गवर्नर हाउस मिला, इंशाल्लाह अगर सीएम हाउस मिलेगा तो इंशाल्लाह उसे भी अवामी सीएम हाउस बनाएंगे, वजीर आजम हाउस मिला उसे भी अवामी वजीर आजम हाउस बनाएंगे इंशाल्लाह।